अवाक कि मैंने तो झंझावात की तरह 100 श्लोक सुनाए, बीच वाला श्लोक इतनी जल्दी एक ही बार सुन के याद कैसे हो गया आपको। महाप्रभु ने कहा जिस सरस्वती की कृपा से आशु कवि हो सकते हो तो कोई आशु श्रुतिधर भी हो सकता है, तो हमको सुन के याद हो गया, तो आप व्याख्या सुनाइए इसकी। दिग्विजयी ने कहा बहुत सरल, महत्वम गंगा या सततम मिदमा भाति नितराम। गंगा जी का महत्व सतत रूप से इस जगत में प्रकाशित हो रहा है। कैसा महत्व है? बोले यद्वेषा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा। जो गंगा जी श्री नारायण के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं, द्वितीया श्री लक्ष्मीरिव सुर नरैर यस्य चरणा। जो गंगा जी दूसरी लक्ष्मी के समान हैं और सुर नर मुनि जिन गंगा जी के चरणों की आराधना करते हैं, भवानी भरतुर्या शिरसी विभवत अद्भुत गुणा। जिन गंगा जी को भगवान शंकर, भवानी के पति शंकर अपने सिर पर धारण करते हैं, वो गंगा जी अपने अद्भुत रूप के साथ विराजमान है, ये इसका अर्थ है। महाप्रभु जी ने कहा दिग्विजय जी ये तो शब्दार्थ कहा आपने, अब इसका गूढ़ार्थ भी बताएं। इस श्लोक में जो दोष और गुण हैं उनके विषय में भी बताएं। अब दोष का नाम सुन के तो दिग्विजय तिल मिला गए, बोले निमाई पंडित वैसे तो तुम बच्चे बनते हो और मेरे श्लोक में दोष, मेरी रचना में तो ब्रह्मा भी कमी नहीं निकाल सकते। महाप्रभु जी ने कहा ऐसा न कहिए, बड़े बड़े ऋषियों के श्लोकों में गुण दोष होते हैं और ये गुण दोष तो अलंकार शास्त्र का एक सौंदर्य है, मेरे श्लोक में कोई दोष नहीं हो सकता, यदि तुम जानते हो तो बताओ। महाप्रभु जी ने कहा आपके श्लोक में 5 दोष, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नहीं हो सकता, यदि दोष हैं तो आप बताइए। महाप्रभु जी ने कहा 5 दोष हैं और 5 गुण हैं तो बताइए। तब महाप्रभु जी ने कहा आपके श्लोक में 2 जगह तो अविमृष्ट विधेयांश दोष है। इस दोष को क्या कहते हैं, किसको इस ये दोष कहते हैं? बोले अलंकार शास्त्र का नियम है जो ज्ञात वस्तु है उसको अनुवाद कहते हैं, जो अज्ञात है उसको विधेय कहते हैं। नियम ये है अनुवाद को पहले कहे जो ज्ञात वस्तु है और जो अज्ञात है विधेय उसको पीछे कहे, लेकिन आपने 2 जगह इस नियम का पालन नहीं किया तो अविमृष्ट विधेयांश नामक दोष 2 जगह है। कौन कौन? बोले एक तो पहली पंक्ति में, एक तीसरी पंक्ति में। बोले पहली पंक्ति में आपने क्या कहा, महत्वम गंगाया सततम मिदमा भाति नितराम। तो महत्व पद तो अज्ञात है ना और गंगा जी ज्ञात है, आपको कहना चाहिए था इदम गंगाया महत्वम, क्योंकि गंगा जी इदम पद ज्ञात है ना, गंगा जी ज्ञात है, आपको ज्ञात माने अनुवाद पद को पहले बोलना था, अज्ञात को पीछे बोलना था, ये नियम है व्याकरण का, लेकिन आपने कहा महत्वम गंगाया, तो ये दोष हुआ कि नहीं हुआ? अब पंडित जी ने सिर खुजा लिया, अरे ये कैसे मेरे से गलती हो गई, अच्छा ये दोष दूसरी जगह कहाँ है? बोले तीसरी पंक्ति में आपने कहा द्वितीयाश्री लक्ष्मी रिव, यही गलती यहां हो गई। आप ये कहना चाहते थे ना गंगा जी दूसरी लक्ष्मी के समान है, आपको कहना चाहिए था लक्ष्मी इव द्वितीया, क्योंकि लक्ष्मी जी ज्ञात हैं, द्वितीया पद विधेय है, अज्ञात है उसे बाद में बोलना था, पर आपने द्वितीया पहले बोल दिया, द्वितीयाश्री लक्ष्मी रिव कह दिया, फिर दूसरा दोष। अरे ये कैसे हो गया, तीसरा दोष नहीं हो सकता? महाप्रभु जी ने कहा वो भी है, उस तीसरे दोष का नाम क्या है? बोले उस तीसरे दोष का नाम है भग्न क्रम। भग्न क्रम दोष किसको कहते हैं कि आपने पद में 4 चरण हैं, 3 चरण में तो अनुप्रास अलंकार किया लेकिन दूसरे चरण में अनुप्रास अलंकार नहीं। अनुप्रास अलंकार जानते हैं ना, एक अक्षर 2 से अधिक बार आए तो अनुप्रास बनता है,
तो महाप्रभु जी कहते महत्वम गंगाया सततम मिदमा भाति नितराम, ते 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 अनेक बार ते आया, अनुप्रास हो गया। तीसरी पंक्ति द्वितीया श्री लक्ष्मी रिव सुर नरेर यस्य चरणा, र र र रे का अनुप्रास। चौथी पंक्ति भवानी भर्तुर्या शिरसि विवत अद्भुत गुणा, भ भ भ भय का अनुप्रास। लेकिन दूसरी पंक्ति यद्येषा श्री विष्णु चरण कमल उत्पत्ति सुभगा, एक भी अक्षर दो बार नहीं आया, तो भग्न क्रम हो गया। माने तीन पंक्ति में तो अनुप्रास, दूसरी पंक्ति में अनुप्रास नहीं, तो ये भी दोष हो। अरे हमसे कैसे ये सब हो गया, चौथा दोष नहीं हो सकता। बोले चौथा भी है, चौथा दोष कहाँ है? बोले चौथी पंक्ति में है। बोले कहाँ है? बोले नियम ये है कि क्रिया पद के द्वारा जब वाक्य पूरा हो जाए तो उसके बाद विशेषण का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम ये कहें कि ये वैष्णव बहुत अच्छे हैं, तो ये तो ठीक वाक्य है, और हम कहें ये वैष्णव बहुत हैं फुल स्टॉप अच्छे, तो ये तो गलत वाक्य हो गया ना। ये कहा जाएगा ये वैष्णव बहुत अच्छे हैं, ये तो नहीं कहा जाएगा ये वैष्णव बहुत हैं फुल स्टॉप अच्छे, तो ये तो गलत वाक्य हो गया। तो चौथी पंक्ति में आपने क्या कहा, भवानी भर्तुर्या शिरसि विभवत, विभवती पद के द्वारा आपने वाक्य पूरा कर दिया, फिर कहा अद्भुत गुणा, विशेषण का प्रयोग वाक्य पूरा होने के बाद। इस दोष को कहते हैं पुनरात्तता, ये दोष भी आपके श्लोक। अरे राम ये मेरे से क्या हो गया आज इस बच्चे के आगे, पांचवा दोष नहीं हो सकता। बोले पांचवा भी है, वो तो सबसे खतरनाक है। वो कौन दोष है? बोले उस दोष का नाम है विरुद्धमति। विरुद्धमति माने क्या होता है कि कहना तो कुछ चाह रहे थे और अर्थ कुछ हो गया। वो कहाँ है? बोले चौथी पंक्ति में है। आपने कहा भवानी भर्तुर्या शिरसि, माने शंकर जी गंगा जी को सिर पे धारण करते हैं। भवानी भर्तु का, भवानी किसको कहते हैं, भव किसको कहते हैं? बोले भव शंकर जी का नाम है। भवानी किसको कहते हैं? भव की पत्नी को भवानी कहते हैं। आपने कहा भवानी भर्तुर्या, आपको कहना चाहिए तो गिरजा भर्तुर्या। जैसे कोई ये कहे कि इन पंडित जी की पत्नी के पति को दक्षिणा दे दो, इन पंडित जी की पत्नी के पति को दक्षिणा दे दो, तो अर्थ क्या हो गया कि पंडितानी का कोई और पति भी है, पंडित जी की पत्नी के पति को दक्षिणा दे दो, तो विरुद्ध अर्थ हो गया। माने उस स्त्री का कोई एक और पति और है क्या? आपको कहना चाहिए तो गिरजा भर्तु, आपने कहा भवानी भर्तुर्या, माने भव की पत्नी के पति गंगा जी को सिर पे धारण करते हैं, तो ये तो दोष हो। अरे ये कैसे एक छोटे श्लोक में पांच पांच दोष? वो तो सबरे श्लोकों का इन्होंने नहीं पूछा, जाने तो श्लोकों के दोषों की तो अंबार लग जाते। अब गुण तो सुन ही नहीं पाए, अब कहते क्या? बिचारे विजय पत्र तो लिखवाना भूल गए, चुप वहां से उठ के चले गए महाप्रभु को प्रणाम करके। अब मन में सोचने लगे आग जलाकर मर जाऊं कि गंगा में डूब के मर जाऊं, फिर सोचा प्राण तो त्याग करूंगा पर पहले सरस्वती से पूछूं कि मुझे तो सरस्वती सिद्ध है। सरस्वती ने कहा था तुझे कभी संसार में कोई मनुष्य पराजित नहीं कर पाएगा, और ये कौन से अपराध का मुझे फल मिला कि सारे संसार में तो मुझे विजय करा दिया, अब पराजित करवाया एक दूध मुए बच्चे के आगे नवद्वीप में आखिर में आके। आज सरस्वती से पूछूंगा, यदि मेरी सरस्वती रूठ गई है मुझसे तो गंगा में कूद के प्राण त्याग दूंगा। तब दिग्विजयी पंडित रात भर सरस्वती जी का आह्वान करते रहे, सिर पीट रोते रहे, उनको सरस्वती सिद्ध थी, और सवेरा होते होते तो सरस्वती सामने प्रकट हो गई। जैसे सरस्वती प्रकट हुई दिग्विजयी ने प्रणाम किया, रोकर कहने लगे माँ मुझे कौन अपराध का दंड दिया? सरस्वती ने कहा बेटा तुम्हें दंड नहीं दिया, तुझे तो जीवन भर की सेवा का आज फल प्रदान किया। सरस्वती जी से दिग्विजयी कहते हैं क्या कह रही हो आप, एक दूध मुए बच्चे के आगे आप मेरी जीवा को छोड़ के चली गई, मैं इतने दोषयुक्त श्लोक बोल गया,
सारे संसार में विजय होने के बाद मुझे लज्जित कराना पड़ा आपको? कौन दंड, कौन पाप का मुझे दंड आपने दिया? तब सरस्वती जी ने कहा, हे मेरे पुत्र, तुम शंका मत करो। करो दूर शंका, ना दुख मन में लाओ। करो दूर शंका, ना दुख मन में लाओ। तो जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। किया काम माता का आज ही तो पूरा। किया काम माता का आज ही तो पूरा। पिता से मिलाया अब आनंद मनाओ। पिता से मिलाया अब आनंद मनाओ। ये आप क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन हरि कौन पिता? सरस्वती ने कहा, बेटा तू किसी नर से पराजित नहीं होगा, ये आशीर्वाद दिया था ना, ये कब दिया था? तू नारायण से भी पराजित नहीं होगा। क्या कह रही हो, वो निमाई पंडित नारायण है? हाँ, मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। अरे, तू मेरे स्वामी से वाद विवाद कर रहा था, अपने स्वामी को देख के तो मैं लज्जित हो जाती हूँ, उनके आगे मैं मुंह खोल सकती हूँ क्या? तू मेरे स्वामी से वाद विवाद कर रहा था। अरे मैं दासी हूँ उनकी, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी, करोड़ों करोड़ों सरस्वती महाप्रभु के चरणों में लुंटित होती हैं। तू उन मेरे गोविंद से शास्त्रार्थ करने चला था। बेटा तू आज हारा नहीं है, तू आज जीता है। सारी विद्याओं का फल तो गोविंद के चरणों की प्राप्ति है ना, या किसी को नीचा दिखाना विद्या की प्राप्ति का फल है? अरे तुझे आज विद्या का फल मिला है। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। मैं दासी हूँ उनकी, स्वयं वे हरि हैं। शरण को ग्रहण कर हरि प्रेम पाओ। शरण को ग्रहण कर हरि प्रेम पाओ। करो दूर शंका, न दुख मन मिलाओ। करो दूर शंका, न दुख मन मिलाओ। जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। जगे भाग तेरे शरण हरि की जाओ। जब ऐसा सरस्वती जी ने समझाया है महाराज, उस दिग्विजयी की आंखों से अश्रुधार छूट पड़ी है। माँ सरस्वती तुम सच कहती हो, निमाई ही नारायण है, निमाई गोविंद है। हाँ मेरे पुत्र, स्वयं राधा कृष्ण मिलित तनु होकर आज गौर के रूप में नदियां में प्रकट हुए हैं। तेरे भाग खुल गए जो गौरांग का दर्शन हुआ। उसी समय दिग्विजयी सरस्वती को प्रणाम करके रोते भागते बिलखते महाप्रभु जी के दर्शन को भागे हैं। श्रीमन महाप्रभु जी उस समय गंगा तट पर विराजमान थे और दिग्विजयी ने जाके महाप्रभु जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। क्षमा कर दो हे गौर, हे गोविंद क्षमा कर दो, मैं आपके स्वरूप को नहीं जान पाया। पहले तो महाप्रभु अपने आप को छिपाने लगे, अरे भैया इतने बड़े दिग्विजयी होके बालक को प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, मैं जान गया, मुझे मेरी माँ सरस्वती ने बता दिया आप कौन हो। हे मेरे महाप्रभु, श्याम सुंदर गौर सुंदर, अपने रूप को न छिपाओ, मुझ पर कृपा करो। उस समय दिग्विजयी गाने लगे महाप्रभु के चरणों में पढ़कर। कृपा करो हम पे गौर सुंदर, ए भक्त बसल कहानी। आनंद हो गया
दिग्विजयी आज महाप्रभु जी के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। अब महाप्रभु जी ने देखा अपने को नहीं छिपा पाएंगे, तब दिग्विजयी को कहा कि दिग्विजयी तुम पर सरस्वती की कृपा हुई है। देखो दिग्विजयी, विद्या का फल अभिमान करना नहीं है, किसी को परास्त करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है। अरे विद्या से तो विवेक की प्राप्ति होती है, और विवेक किसको कहते हैं? विवेक कहते हैं सत और असत वस्तु के निर्णय को, कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसी को विवेक कहते हैं। फिर असत्य को छोड़ के सत्य को पकड़ लेना, यही विद्या का फल है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है? भोले बाबा रामचरितमानस में कहते हैं पार्वती जी को कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना। देखिए सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे, तो भोले बाबा उनका भी अनुभव है, कहीं पड़ी हुई सुनी हुई बात नहीं कह रहे। पार्वती जी को कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन अजगत सब सपना। ये संसार और संसार की उपलब्धियां असत्य हैं, श्री कृष्ण और उनका नाम ही सत्य है। तो हे दिग्विजयी, अब जीवन मत बिगाड़ो, बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जान लिया, पर अगर कृष्ण भजन नहीं किया, अगर गोविंद के लिए रोना नहीं सीखा, तो कुछ नहीं सीखा। अब महाप्रभु जी मेरे जीवन की डोरी आपके हाथ में है, बताइए मैं क्या करूं। तब महाप्रभु जी आज्ञा दिए तुम वृंदावन चले जाओ, और वृंदावन में श्री राधा माधव का भजन करते हुए अपना कल्याण करो। तब इन दिग्विजयी को महाप्रभु ने आज्ञा दी और ये वृंदावन आ गए, और वृंदावन में भगवत भजन करके इन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। तो दिग्विजयी पर कृपा हुई, धीरे धीरे करके समय बीत रहा है। अब श्री महाप्रभु जी की लगभग 18 बरस की अवस्था हुई, तब शची मैया के मन में महाप्रभु जी के विवाह की इच्छा प्रकट हुई। अब किशोर हो गए हैं, तब श्रीमन महाप्रभु जी का प्रथम विवाह श्री वल्लभाचार्य जी की कन्या श्री लक्ष्मी प्रिया जी के साथ संपन्न हुआ। और ये लक्ष्मी प्रिया जी कौन हैं? ये साक्षात महालक्ष्मी ही हैं, इनके साथ संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के कुछ महीने बाद महाप्रभु जी पूर्व बंगाल की यात्रा पर गए, उस समय अपनी दादी दादा से भी मिलकर आए महाप्रभु। तो महाप्रभु जी जब छात्रों के साथ पूर्व बंगाल की यात्रा पे गए, तब श्री लक्ष्मी प्रिया जी को महाप्रभु जी का विरह हो गया, और चैतन्य भागवत जी में वर्णन है, तब एक दिन एक सर्प आया। श्री लक्ष्मी प्रिया जी तो महाप्रभु के विरह में कृशकाय हो गई थीं, तब एक दिन एक काला सर्प आया। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं सर्प नहीं था, महाप्रभु का विरह ही सर्प बन के आया था। और उसने जैसे लक्ष्मी प्रिया जी के अंगूठे को स्पर्श किया कि लक्ष्मी जी वैकुंठ चली गई। तो पहला विवाह हुआ, पर लक्ष्मी प्रिया अंतर्धान हो गई। अब श्रीमन महाप्रभु जी के दूसरे विवाह का अवसर है, और दूसरा विवाह किनसे होगा? महाप्रभु का द्वितीय विवाह श्री विष्णु प्रिया जी के साथ संपन्न होगा। और ये विष्णु प्रिया कौन है? ये साक्षात भूदेवी हैं, भगवान की तीन नित्य शक्ति हैं, अनंत शक्तियां हैं, उनमें तीन प्रमुख हैं। एक तो है श्री देवी, दूसरी है भूदेवी, तीसरी है लीला देवी। ये श्री देवी माने श्री लक्ष्मी जी, भूदेवी माने धरा, लीला शक्ति माने अहलादिनी शक्ति माने श्री प्रिया जी। तो लक्ष्मी प्रिया जी साक्षात लक्ष्मी हैं, वो अंतर्धान को हो गई। चूंकि लक्ष्मी प्रिया जी जो लक्ष्मी जी हैं, वो निरंतर संयोग रस का आस्वादन करती हैं, उनको कभी वियोग नहीं होता, वैकुंठ की स्वामिनी है, निरंतर नारायण के पाद सम्मान करती हैं, उनको एक क्षण का वियोग नहीं होता। और महाप्रभु पूर्व बंगाल के लिए गए, इतने में विरह हो गए, अंतर्ध्यान हो गई, क्योंकि आगे जो महाप्रभु की लीलाएं हैं वो विरह प्रधान लीलाएं हैं,
उसमें लक्ष्मी प्रिया जी लीला में सहयोग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वो तो विरह सहन ही नहीं कर सकती, वे तो निरंतर संयोग रस में ही डूबी रहती हैं। तो महाप्रभु जी विष्णु प्रिया जी को अंगीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी देवी जैसी सहन शक्ति तो किसी की नहीं है। इस दुनिया में इस पृथ्वी माता जैसा सहनशील कौन होगा? हम गड्ढा खोदते हैं, किसान हल चलाता है, खाने खोदी जाती हैं, मलमूत्र त्यागा जाता है, पर ये पृथ्वी माता सबको धारण किए रहती है, कभी नहीं घबराती, सबको धारण किए रहती है। हाँ, जब कभी रावण कुंभकर्ण कंस जैसे अत्याचारी हो जाते हैं, तब गैया का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, और फिर ब्रह्मा जी भगवान को निवेदन करते हैं। पृथ्वी माता कहती है सबका भार सह लूंगी, लेकिन जब गैया के ऊपर, संतों के ऊपर, वैष्णवों के ऊपर कष्ट आएगा तो मुझसे नहीं सहा जाएगा। अन्यथा पृथ्वी माता हम सबको धारण करती है, इसलिए प्रातः काल उठ के सबसे पहला प्रणाम पृथ्वी माता को ही है। तो श्रीमन महाप्रभु जी उन्हीं भूदेवी स्वरूपणी विष्णु प्रिया जी से विवाह कर रहे हैं, क्योंकि अब आगे की लीला विरह प्रदान है, और उस विरह को वही सहन कर सकती है जिसका धरती जैसा कलेजा हो, पृथ्वी जैसी जिसकी सहनशीलता हो। तो विष्णु प्रिया जी साक्षात सत्यभामा जी माने साक्षात भूदेवी हैं, और इनका जन्म भी नवद्वीप धाम में हुआ है। नवद्वीप धाम के निकट मालन चौपाड़ा स्थान है, जहां विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव, आपके पिता हैं श्री सनातन मिश्र जी, आपकी माता जी हैं श्री महामाया देवी जी। और ये कौन है? ये द्वारिका लीला के जो इस्त्राजित यादव है ना, सत्यभामा जी के पिता, वही गौर लीला में सनातन मिश्र हुए हैं, और इस्त्राजित की जो पत्नी है वही महामाया देवी हुई है, और इनके यहाँ विष्णु प्रिया जी का आविर्भाव हुआ है। और विष्णु प्रिया जी महाप्रभु जी से 10 बरस छोटी हैं। और एक बड़ी अद्भुत बात, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि भगवान अपनी प्रिया के जन्मोत्सव में जाकर उत्सव मनाए हो, नाचे हो, लेकिन एक विष्णु प्रिया ऐसी हैं, जब विष्णु प्रिया जी प्रकट हुई तो महाप्रभु अपने सखाओं के साथ गंगा तट पर विहार कर रहे थे। जब विष्णु प्रिया जी प्रकट हुई तो जोर के शंख शहनाई बजने लग गए और उत्सव मनने लगा। तो महाप्रभु जी बालक थे, बच्चों के साथ खेल रहे थे, देखा कि कहाँ शंख की आवाज आई, कहाँ बधाई बजी। तो महाप्रभु अपने सखाओं के साथ विष्णु प्रिया जी के जन्म स्थान पर गए और जाके विष्णु प्रिया जी को पालना झुलाए और विष्णु प्रिया जी के जन्मोत्सव में बधाई गाई और नृत्य भी किया। ये शायद अपने आप में अकेली घटना थी कि ठाकुर ठाकुरानी का उत्सव मनावे। ये लीला नवद्वीप में हुई थी। और फिर धीरे धीरे विष्णु प्रिया जी बड़ी हो रही थी, अपनी माता जी के साथ गंगा स्नान को जाती थी, तब शची मैया से मिलना होता था, और शची मैया विष्णु प्रिया जी को देखती थी, तब देखते ही मन में आता था, ओहो कैसी सोने की पुतली जैसी बिटिया है, ये तो मेरे निमाई के लिए बड़ी अच्छी रहेगी, पर कैसे बानक बने, इसके पिता तो राज पंडित है सनातन मिश्र। दिन रात सोचा करती थी किसी प्रकार विष्णु प्रिया बहू बन के मेरे घर आ जाए। और इधर एक दिन विष्णु प्रिया जी ने महाप्रभु जी का गंगा तट पे दर्शन किया था, और छात्रों के साथ महाप्रभु गंगा तट पर गंगा जी की महिमा गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और जैसे दूर से गौर हरि का दर्शन किया, तो जन्मों जन्मों के मीत हैं वे, तो युगल हैं, अपने प्रियतम को क्यों नहीं पहचान लेंगी। बस देखते ही महाप्रभु जी को वो गौर मूर्ति सदा के लिए विष्णु प्रिया जी के चित्त में बस गई थी। और उसी दिन से, अब कह तो सकती नहीं किसी को, लेकिन मन ही मन श्री महाप्रभु जी का स्मरण करती थी, गौर नाम का जप करती थी, और कहें तो किससे, तब अकेले में महाप्रभु जी को ही पुकारती थी कि हे गौरांग, शास्त्र में तो लिखा है एक कन्या एक ही बार किसी का वरण करती है, फिर दोबारा नहीं वरण करती, मैं क्या करूं, ये मेरे मन ने तो बरबस आपके चरण कमलों में समर्पण कर दिया है। हे गौर हरि, मैं तो आपके जन्म जन्म की दासी हूँ,
इस दासी को अपने चरणों की सेवा में स्वीकार कीजिए, मुझे कृतार्थ कीजिए, मैं आपकी हूँ। ऐसी प्रार्थना विष्णुप्रिया जी करती थी, अकेले में बैठ के गुनगुनाती थी। मैं तो अब सुध लीजे मेरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की, अब सुध लीजे मेरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। जब गंगा तट दर्शन कीने, जब ते गंगा तट दर्शन कीने, गंगा तीर सखन संग लीने, गंगा तीर सखन संग लीने। तब से बोले मूरत गई समाए, ही है में देवाराध्य परम की। ओ मूरत गई समाए, ही है में देवाराध्य परम की। अब सुध लीजो मेरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। अब सुध लीजे मोरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। नाम सुनत मेरो ही भरी आवे, नाम सुनत मेरो ही भरी आवे, गुणन सुनत मेरे श्रवण सिरावे, गुणन सुनत मेरे श्रवण सिरावे। मैं मन मन करूं प्रणाम, मैं मन मन करूं प्रणाम, दासी तेरे पद कमलन की। ओ मन मन करूं प्रणाम, मैं दासी तेरे पद कमलन की। अब सुध लीजे मेरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म की। अब सुध लीजे मेरी नाथ, मैं तो दासी जन्म जन्म। तो विष्णु प्रिया प्रार्थना